हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, हम लोग कल पढ़े थे क्या कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था फैक्टर इफेक्टिंग में। अभी उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको अभी कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट है लेक्चर आज का। देखिए क्या है कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो रेट होती है आपकी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और इसकी होल पावर एन। और एन आप एन जो होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था, या इसको सीधे सीधे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और कोई भी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर हो सकता है जैसा भी हो उसकी पावर एन। ये फॉर्मूला कल देखा था यहां से। इसके बाद हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन देखी थी और उनकी यूनिट देखी थी। अब उसी पे देख लेते हैं कि उस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की सबसे पहला क्वेश्चन यही है, करा क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आपको यहाँ पर तीन रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एक है 2.3 10 टू पावर माइनस 5, एक 3.1 10 टू पावर माइनस 4 है और एक 9.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 है। अब आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर इनकी यूनिट देख करके बतानी है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक, अब देखो क्या है, अब जैसे इसका सोल्यूशन करेंगे तो अगर आपको यूनिट पता है पहले से तो इसका आप बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जैसे सबसे पहली देख लीजिए, कह रहा है 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये 2.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 लीटर मोल इनवर्स और ये है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड का मतलब ये टाइम इनवर्स है। तो अगर देखो यहां पर लीटर और पर मोल है, मोल पर लीटर नहीं है, लीटर पर मोल है। तो ये कौन सा केस बनता था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का केस बनता था। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन दिखा रहा है। तो यहां पर इसका जो होगा ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी आपके पास में। इसके बाद दूसरा देख लो, दूसरा केस क्या है कि 3.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स का मतलब हो गया टाइम इनवर्स। ठीक है, और टाइम इनवर्स किसकी यूनिट होती है, ये किस ऑर्डर की रिएक्शन की होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है। ये कल सब लिखा दिए हमने, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा आपका। और जो लास्ट वाली है, लास्ट वाली देख लो, ये है 9.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अच्छा ये देखो क्या है, ये मोल पर लीटर और ये सेकेंड इनवर्स है। ये जो रिएक्शन आपकी है ये किसकी है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर आप यूनिट से, आपको यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे आएगा और यूनिट आपको दे रखी होगी और यूनिट देख करके आपको पहचानना होगा कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में कभी आने की उम्मीद भी मत करिएगा इसको। ये आपका जब भी आएगा तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा बोर्ड में, भाई आपको यूनिट दे रखी होगी। और यूनिट बहुत यहां पर जो है इम्पोर्टेंस रोल है इसका, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम और रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसका मेथड हम लोग देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग उसका करते हैं आगे डेरिवेशन। चलिए हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं, पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दो ही डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, एक तो जीरो ऑर्डर, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर, दो ही पढ़ना है आपको। तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो आपका है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखते हैं जरा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा इसको समझ लेते हैं पहले। बहुत आसान है डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा यूज होगा इसके अंदर, बस वो ध्यान में रखिएगा। और एक ग्राफ है इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं कि एक रिएक्शन हमारे पास क्या है, आर है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आर है कुछ भी है और प्रोडक्ट पी बन रहा है। यहां पर पहले मान लेते जब समय हमारे पास जीरो था, टाइम टी बराबर जीरो पर इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो मान लेते हैं आर नॉट है और यहां पर अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। उसके बाद कुछ समय के बाद टी बराबर टी समय पर, है ना, ये टी यहां पर कैपिटल ले लेते हैं हम लोग, टी सेकेंड पर, टी सेकेंड या टी टाइम कुछ भी हो सकता है टाइम यहां पर, इसका मान लेते हैं कि जो भी यहां पर जो प्रोडक्ट था, कुछ प्रोडक्ट मान लेते हैं इसमें से बन गया होगा, कुछ भी प्रोडक्ट मान लेते हैं टी समय पर, यहां पर बचा हमारे पास कितना आरटी, और यहां पर जो भी प्रोडक्ट आपका बनना होगा पीटी मान लीजिए बन गया इधर। ठीक है, इसमें से जो भी प्रोडक्ट इधर बन गया समय टी के बाद, तो हमको इस टी टाइम पर इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। अब देखो क्या है ना कि रेट लिखने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो क्या है कि एक तो हमने जो कल आपसे बताया था कि जो रेट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है
दूसरा इसको हम किस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई पहले हमने रेट को देखा था कि डिफरेंशिएट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा रेट हमने कल देखा था कि रेट लॉ के फॉर्म में भी रेट को लिखा जा सकता है, दोनों तरीके। अच्छा, कोई चीज अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे मैथ भी है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो क्या होता है ना कि अलग अलग मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो वही सेम काम यहाँ पर भी होगा। तो देखो हम दो तरीके से, जैसे दोनों तरीके जैसे लिखते हैं, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो देखो, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं, जरा रिएक्टेंट की रेट। तो अगर हम इसकी रेट लिखना चाहें तो हम ऐसे करके भी तो रेट लिख सकते हैं, एक तो तरीका ये है लिखने का। देखो डिफरेंशिएट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी, और इसको इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मान लेते हैं R है। तो एक तो तरीका ये था, क्योंकि रिएक्टेंट का लिख रहे हैं इस वजह से कहे में लगाएंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। तो एक तो तरीका ये है, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू या कह लीजिए ये इसका डिफरेंशिएट फॉर्म है, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएट फॉर्म है, इस फॉर्म में भी रेट लिखी जा सकती है। दूसरी अगर हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रेट कैसे लिखी जाएगी, तो कल हमने बताया था कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर माने रिएक्टेंट को हमने क्या माना है, आर माना है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो, या यहाँ पर भी एन लिख लेते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, देखो क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, और यहाँ पर आर, और आर की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो का मतलब कितना होता है, वन। तो ये आर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रेट को अभी किसी सिंपल से ना दिखाओ, ठीक है, ये के हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो देखो एक को हमने रिएक्टेंट लिखा, डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख लिया, डीआर बाई डीटी इस फॉर्म में भी लिखा था हमने पिछली बार, और दूसरा रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख लिया है, जो कल हमने बताया था कि भाई आर की पावर एन होता है, आर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, और यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन बराबर जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो आर की पावर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गई है। अच्छा, दोनों रेट ही लिखी हुई है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बराबर करके दिखा सकते हैं। तो इक्वेशन वन जो होगी वो इक्वेशन टू के हम बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जब बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, देखो ये के इसके बराबर हो जाएगा। अब करना क्या है कि हमको टोटल चीजें कैलकुलेट करनी है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमको ये डिफरेंशिएट को यहां से हटाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, क्योंकि समय के साथ में ही तो इसमें चेंज आ रहा है, तो हम इसी को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी लगा दे रहे हैं, और टी के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो ये तो आपका हो गया, देखो ये तो यहां से कैंसिल हो जाएगा डीटी से डीटी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस बाहर ले ले रहे हैं, ये डी आर हो जाएगा इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा के, और ये क्या हो जाएगा डीटी, ठीक। अब क्या है, देखो पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था, आर नॉट था, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है, आर टी, मतलब जो रिमेनिंग बचा है। तो जो लिमिट हम पुट करेंगे यहां पर, वो यहां पर क्या हो जाएगा, आर नॉट टू आर टी, और यहां पर जो होगा, देखो टी के रिस्पेक्ट में ये हो रहा है, तो ये जीरो से कितना हो जाएगा, टी, ठीक, टेन के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या होता है कि डी, अच्छा इस माइनस साइन को अगर भेजना चाहते हो तो उधर भेज दो, या तो इधर ही रखा रहने दो, या उसको हम इधर भेज देते, देखो माइनस यहां के बजाय इधर लगा दें। अब डी आर का देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। और एक बार आपको यहां पर क्या रखना है, लोअर लिमिट, एक बार रखनी है यहां पर अपर लिमिट, इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा माइनस का के, और यहां पर जो डीटी लिखा है ये वाला, ये तो ये माइनस का के तो लिखा है, और डीटी का तो आपका पता है कि भाई ये माइनस का के था, और डीटी का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, और लिमिट जीरो से कहां तक रख देंगे, टी तक। अच्छा यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, एक बार जब अपर लिमिट रखोगे माइनस, एक बार क्या रखी जाती है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का के टी, देखो जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो टी बचेगा ही। अब इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो अच्छा इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू टी, या इसको ऐसे ही लिखा रहे, जैसे लिखा है। अब देखो क्या है, इसमें अगर हम आर टी इक्वल टू लिखना चाहें कि भाई कितना रिमेनिंग बचा हमारे पास, तो आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका आर टी इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर आर नॉट चला जाएगा, तो माइनस का के इंटू का टी, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, आर नॉट, है ना। तो ये हमारे पास देखो एक फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया, ये एक यहां से बनकर के तैयार हो गया। अब क्या है ना कि अगर हम मान लीजिए कि इसको अगर देखो यहां से, देखो अगर यहां से हम के इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं, के इज इक्वल टू यहां से, तो देखो ये माइनस का साइन अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो आर नॉट माइनस का आर टी,
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी। अगर रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जो ये वाली इक्वेशन लिखी है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन थर्ड है आपकी ये देखो y बराबर mx प्लस c को शो कर रही है। ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये y इक्वल टू mx प्लस c से अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें तो देखो कितना है नीचे rt इधर आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बराबर माइनस का k इंटू टी और प्लस का कितना हो जाएगा आर नॉट, ये हो जाएगा। देखो अच्छा y बराबर कितना हो गया यहाँ पर, देखो अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो y बराबर तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन, m आपका क्या हो गया स्लोप, तो m हो गया माइनस करके स्लोप यानी नेगेटिव है नीचे की ओर होगा। अच्छा ये देखो m x, तो x का मतलब क्या हो गया t और c का मतलब क्या हो गया, मतलब c पर कहीं ना कहीं पर इसको कट कर रही है ये, इस तरीके से हुआ। तो आपको पता कि ये y बराबर mx प्लस c जो होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो अगर हमें ग्राफ बनाना चाहे इसमें किसके किसके बीच में, देखो y बराबर क्या है rt, मतलब ऊपर की तरफ हम क्या दिखाते हैं कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहे हैं और नीचे की तरफ क्या दिखा रहे हैं टाइम, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है टाइम है। और c बराबर r नॉट, मान लीजिए कि y बराबर mx प्लस c है तो यहां पर क्योंकि स्लोप ऐसा है नेगेटिव तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके उल्टा स्लोप बनेगा ये वाला, और यही स्लोप दिखा रहा है क्या ये माइनस करके ये स्लोप दिखा रहा है ये। अब देखो क्या है कि मान लेते हैं यहां पर इसका इनिशियल ये c पॉइंट पे देखो कट कर रहा है यहां पर कहीं पर, तो मान लेते हैं कि यहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था। तो जब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था, देखो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था आर नॉट, उस वक्त टाइम कितना था, देखो उस वक्त टाइम कितना था टी बराबर जीरो, और जब टाइम टी बराबर कुछ हुआ है देखो टी हो गया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर टाइम टी बराबर क्या है यहाँ पर टी सेकंड के बाद आफ्टर टी सेकंड, देखो कुछ टाइम चलने के बाद एक्स एक्सिस पर यहाँ पर देखो वाई वाई की जीरो हो गई ना वैल्यू यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर बनेगा वो टी कॉमा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा वो आर नॉट कॉमा जीरो हो जाएगा अगर टी के रिस्पेक्ट में इसको हम देखना चाहें। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, उल्टा स्लोप बनेगा यहाँ पर। तो यही है ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। पहले हमने कुछ ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, जब टी बराबर जीरो था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था, यह पहले भी करते आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा इसको रेट लॉ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हमने उस तरीके से लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो हमने पावर जीरो लगा दी है यहाँ पर, तो ये के बचा केवल दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो उसके बाद क्या किया कि देखो हमने टी के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि टोटल कैलकुलेट करना था हमको और यहाँ से डिफरेंशिएशन हटाना था हमको, तो ये डीटी से डीटी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये देखो आर के रिस्पेक्ट में ये टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था, फाइनल पता नहीं कितना जितना भी रिमेनिंग बचा हो, तो हमने उसकी लिमिट पुट कर दी है और लिमिट पुट करके इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी हुई थी ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी को शो कर रही है तो हमने उससे कंपेयर कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि जिसका स्लोप था वो माइनस में आ रहा था इस वजह से हमने इसको इस तरीके से ग्राफ बनाया हुआ। तो जब देखो टाइम जीरो था, जब टाइम में देखो एक्स एक्सिस पे टाइम था, तो यहाँ पर जब टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितना था आर नॉट, और उसके बाद कुछ समय के बाद टी समय पर इसका टाइम तो कुछ बढ़ी गया है ना, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे करके क्या होता गया कम होता चला गया और इस पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज किया है, इस वजह से इसको जब आपसे पूछा जाएगा तो ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपसे इंटीग्रेटेड फॉर्म ही पूछता है तो इसका मतलब यही आपसे पूछ रहा है। तो ये है आपका पूरा डेरिवेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और जहां पर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा। तो एक तो ये आपका हो गया, क्या कहते हैं इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया, ये मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। अच्छा अगर हम जैसे आपसे कैलकुलेट करने के लिए जैसे रिएक्शन का आधे समय पर, जैसे मान लेते कोई एक रिएक्शन है जो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, तो अगर हम आपसे कहें कि आधे समय में वो रिएक्शन कितना कंप्लीट हुई होगी, आधे समय का मतलब समझते हैं ना टी हाफ पर, मतलब टी मिनट पर कितना रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो क्या करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरी बात हमारे पास जो आती है वो होता है इसका, एक तो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है, दूसरा होता है इसका हाफ लाइफ मैथड। तो हाफ लाइफ मैथड जो है ये भी आपको समझना है, हाफ लाइफ मैथड का मतलब ये होता है कि जितना रिएक्शन टोटल टाइम जितना रिएक्शन कंप्लीट करने में लेता है उसके आधे समय पर रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुकी होगी। अब देखिए जरा हमको फॉर्मूला पता है, देखो हम इसी का यूज करेंगे, जो फॉर्मूला का यहाँ से ये जो इक्वेशन बनी है यही से हम इसका यूज कर लेंगे। अब जरा यहाँ पर जिसे देख लेते हैं, जरा वही रिएक्शन है वही प्रोडक्ट है, जब टी बराबर जीरो था तो रिएक्शन क्या थी आर नॉट थी और यहाँ पर प्रोडक्ट जीरो था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका आर नॉट था। अच्छा समय टी बराबर टी हाफ की अगर हम बात करें, टी बराबर अगर हम यहाँ पर इसको हम कैपिटल से दिखा लेते हैं, टी हाफ की अगर बात करें इस तरीके से, टी हाफ को यहाँ पर लिखा इसका मतलब आधे समय की बात कर रहे हैं,
तो आधे समय का मतलब क्या हो गया भाई? देखो आधे समय का मतलब ये हो गया कि आधा बचा और आधा प्रोडक्ट बन चुका होगा, यही तो हुआ कि भाई आर, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारे पास टी टाइम के बाद कि भाई आर नॉट बाई टू बचेगा, आर नॉट बाई टू यहां से खत्म हो गया। क्योंकि समय मान लेते हैं जब हमारे पास ऐसे सपोज है हमारे पास क्या था भाई, 4 लीटर कोई पानी था या कुछ भी था यहाँ पर, तो 4 लीटर में क्या है कि आधे समय के बाद आधा बन चुका होगा, आधा है प्रोडक्ट, मतलब 2 लीटर बचा होगा, 2 लीटर इधर बन गया होगा, यही तो चीज हुई। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है ना कि हमको टोटल जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, देखो अगर हम फ्रॉम इंटीग्रेटेड मेथड अगर हम यहां से हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन टोटल टाइम के लिए क्या बनी थी रेट कांस्टेंट की, K = r0 माइनस का आरटी डिवाइडेड क्या था टी। अच्छा आरटी रिमेनिंग कितना है, देखो आर नॉट बाई टू जब समय आधा था उस समय रिएक्शन की रेट कितनी थी, आर नॉट बाई टू थी। तो अगर हम यहां पर आरटी की जगह क्या लिखें, आर नॉट बाई टू लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये के बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो ये टू यहां पर एलसीएम मिल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2R0 - R0 / 2 t, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब 2R0 में से R0 अगर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका R0 / कितना हो जाएगा 2 t। तो यहां पर जो रेट कांस्टेंट निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा R0 / 2 t। तो ये जो आपका रेट कांस्टेंट है यहां पर, अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा जरा कि जो आपका ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल करके आया है ये किसके लिए आया है, ये हाफ लाइफ के निकल के आया है जब आपसे आधे समय के लिए पूछेगा। तो देखो यहां पर जो टाइम आपने रखा है, ये जो टाइम देखो जब ये जब इसका रिमेनिंग वाला जब आर नॉट बाई टू हो जाएगा तो ये टाइम भी टी हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना है, टी हाफ रखना है ऐसे करके, ये टी हाफ। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि टी हाफ की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये तो रेट कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम आपको निकालना कि भाई आधे समय के बाद समय कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा, बस कुछ करना नहीं है, इसको आर नॉट टू नीचे उठा लो एक, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये हाफ लाइफ मेथड के लिए हो जाएगा आपका। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि वेयर जो आपका ये आर नॉट है इसको हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसी का ध्यान रखिएगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने लिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसके अलावा जो आपका आरटी है ये आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, रिमेनिंग कितना बचा है रिएक्टेंट में, कितना बचा है प्रोडक्ट नहीं है, ये रिमेनिंग होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर इसको ए से दिखाते हैं, कहीं आर से दिखाते हैं, किसी भी सिंबल से इसको दिखा सकते हैं। के आपका जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो आपको पता ही होगा कि रेट कॉन्स्टेंट है ये आपका। इसके अलावा आपका जो है और क्या बचा इसमें, ये टी हाफ, टी हाफ का मतलब हो गया ये हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधा समय में रिएक्शन कितना कंप्लीट हुई है। और जो ये आपका टी था, ये जो टी था आपका ये आपका टोटल टाइम था, तो अगर टोटल टाइम पूछेगा तो टोटल टाइम वाला लगाएंगे और हाफ लाइफ अगर पूछेगा तो हाफ लाइफ वाला लगाएंगे। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब बड़ा ध्यान रखिएगा कि जब पेपर में आएगा तो ध्यान रखिएगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में दो मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं, एक आपका इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म है ये वाला, और दूसरा इसका हाफ लाइफ मेथड है। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों यहीं से ज्यादा बनेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करके वहां पर आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कह देता है। तो क्या होता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि लड़के ध्यान नहीं देते हैं, उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन ध्यान नहीं देते हैं, उसको फर्स्ट ऑर्डर के टर्म में कराते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और ये कैसे ध्यान रखेंगे, जब आपको वहां पर रेट कॉन्स्टेंट दे रखा होगा तो उसकी यूनिट से आपको ध्यान रखना है कि यूनिट उसकी क्या है, जिस हिसाब से उसकी यूनिट होगी वही वाले फॉर्मूले वहां पर अप्लाई होंगे। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस था ये था हाफ लाइफ और ये इंटीग्रेटेड मेथड, ये हमने केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आज पढ़ा है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो आपका जो भी होगा वो हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन हम आपको इसी रेट कांस्टेंट के बेसिस पर दे रहे हैं जहां पर आपको यूनिट देकर के पहचानना होगा, तो वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे वो, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा। नहीं होते हैं तो आप लोग मैसेज नहीं करते हो जब क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन नहीं हो पाते तो मैसेज कर दिया करो तो उनको समझ में आए कि हाँ भाई हमको दूसरा वीडियो जो है उस पर आधारित बनाना है या नहीं बनाना है, तो वो चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज हुआ है, कल हम आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए आज इतना है।